हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं एमडीएमएस और डीएनबी के बीच के डिफरेंसेस की। जानेंगे इस वीडियो में कि एमडीएमएस और डीएनबी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और एनएमसी बिल आने के बाद डीएनबी और एमडीएमएस में उन डिफरेंट वो डिफरेंसेस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, जिससे कि नीट पीजी 2020 से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों, काउंसलिंग टिप्स हों, वो सभी आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। एमडीएमएस एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसे एमसीआई या फिर स्टेट मेडिकल काउंसलिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ऑफर किया जाता है। वहीं डीएनबी एनबीई द्वारा नेशनल मेडिकल एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऑफर किया जाता है। एमडीएमएस में एंट्री लेना डिफिकल्ट रहता है मगर पास करना इजी रहता है। वहीं अगर डीएनबी को देखें तो एंट्री लेना इजी होता है मगर पास करना डिफिकल्ट होता है। अब इस पॉइंट का जस्टिफिकेशन आपके फर्स्ट पॉइंट में छिपा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि एमडीएमएस एक प्रॉपर कॉलेज से ऑफर किया जाता है और डीएनबी एक प्रॉपर हॉस्पिटल से ऑफर किया जाता है। तो प्रॉपर कॉलेज का मतलब है टीचिंग फैकल्टीज भी वहां पे बहुत अच्छे होंगे, प्रॉपर कॉलेज रहेगा, जिसके वजह से यदि आपको एमडीएमएस में सीट मिल जाती है तो पास करना आसान रहता है। वहीं अगर डीएनबी की बात करें तो प्रॉपर हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर्स हो सकते हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया जाता है, मगर लैक ऑफ टीचिंग फैकल्टीज हो सकती है, जिसके वजह से डीएनबी में आपको एडमिशन इजीली मिल सकती है मगर पास करना टफ हो सकता है। वहीं अगर फीस की बात करें तो एमडीएमएस में फीस भले ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में सस्ती हो सकती है मगर प्राइवेट कॉलेजेस में एमडीएमएस की फीस महंगी होती है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 9 लाख 10 लाख से स्टार्ट होती है मगर डीएनबी की फीस सस्ती होती है। डीएनबी के लिए फीस 80,000 के आसपास रहती है। स्टाइपेंड की बात करें तो एमडीएमएस के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड ज्यादा दी जाती है, कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें 1-1 लाख तक की स्टाइपेंड भी दी जाती है। वहीं अगर डीएनबी की बात करें तो डीएनबी की स्टाइपेंड एमडीएमएस से थोड़ी कम रहती है, 30,000 से लेकर के 50,000 के रेंज के बीच में डीएनबी के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दी जाती है। अब बात करते हैं एनएमसी बिल आने के बाद ये डिफरेंसेस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एनएमसी बिल आने से पहले की सिचुएशन देखते हैं फिर अभी की सिचुएशन देखेंगे। एनएमसी बिल आने से पहले क्या था, 3 कंडीशंस थे। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपने डीएनबी उस मेडिकल कॉलेज से किया है जिसमें मोर देन 500 बेड्स हैं और टीचिंग फैकल्टीज क्राइटेरिया को भी वो कॉलेज फुलफिल कर रहा है तो आप एमडीएमएस के इक्विवेलेंट हो। एमडीएमएस को भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 1 साल का एससीआर सीनियर रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा और डीएनबी वालों को भी 1 ही साल का एससीआर कलेक्ट करना होगा। मतलब यहाँ पे एमडीएमएस और डीएनबी बिल्कुल इक्विवेलेंट है। वहीं अगर सेकंड कंडीशन देखें, यदि आपने अपनी डीएनबी उन कॉलेजेस से की है जिनकी बेड की कैपेसिटी 500 से कम है और 100 से ज्यादा है तो आपको 1 साल का डीएनबी कोर्स के बाद आपको एमडीएमएस के इक्विवेलेंट होने के लिए 1 साल का एसआरसी करना पड़ता था, कलेक्ट करना पड़ता था। उसके बाद यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो फिर से एक साल का एसआरसी आपको करना पड़ता था, सीनियर रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करना पड़ता था। वहीं अगर तीसरी सिचुएशन देखें कि आपने अगर डीएनबी उन कॉलेजेस से की है जिनकी बेड्स लेस देन 100 है तो आपको 2 साल का डीएनबी कोर्स के बाद 2 साल का एसएलसी करना पड़ता था मेडिकल कॉलेजेस से, 2 साल का एसएलसी करना पड़ता था एमडीएमएस के इक्विवेलेंट आने के लिए और उसके बाद यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए भी 1 साल का एसएलसी करना पड़ता था। मगर एनएमसी बिल आने के बाद ये डिफरेंसेस थोड़े से बदल गए हैं। पहले जो 3 रेंजेस थे अब इन रेंजेस को कम करके 2 रेंजेस ही कर दिया गया है, मोर देन 500 बेड्स और लेस देन 500 बेड्स। अगर आपने अपनी डीएनबी मोर देन 500 बेड्स वाले हॉस्पिटल से की है तो आप एमडीएमएस के इक्विवेलेंट हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जैसे एमडीएमएस को भी एमडीएमएस स्टूडेंट्स को भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 1 साल की एसएलसी करनी पड़ती, वैसे डीएनबी वालों को भी 1 साल की एसएलसी करनी पड़ेगी, अभी करंट की सिचुएशन है। वहीं अगर दूसरी पॉइंट देखें तो यदि आपने वैसे कॉलेजेस से अपनी डीएनबी की कोर्स की है जिनमें बेड्स लेस देन 500 है तो आपको एक साल का एसएलसी करना पड़ेगा एमडीएमएस के बराबर आने के लिए और 1 साल का आपको और एसएलसी करना पड़ेगा आपकी
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये जो चेंजेस आए हैं ये एनएमसी बिल के, एनएमसी बिल रिलीज होने के बाद, पास होने के बाद, अभी फिलहाल की कंडीशन ये है। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने देखा कि एमडीएमएस और डीएनबी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और एनएमसी बिल आने के बाद पहले क्या होता था और अब उनको चेंज करके अब क्या होने लगा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहां हाजिर हूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।